नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा डाइनिंग एरिया डेकोर DIY जो आप अगर मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन इसे हम बिल्कुल बजट फ्रेंडली तरीके में बना सकते हैं, वो भी इस तरह की घर की बेकार चीज़ों से। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने ये एक ग्लास का जार लिया है छोटे साइज़ का, और एक ये प्लास्टिक का जार है, और एक ये एक्रिलिक पेंट का कंटेनर है। तो सबसे पहले जो ग्लास का जार मैंने यहाँ पर लिया है, जिसका ये ब्लू कलर का ढक्कन है, इस जार से जो है हमें आपने स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही होगा, हमें जो है शेफ़ बनाना है। तो ये जो जार है, इसके जो नीचे वाला जार है उस हिस्से से मैं शेफ की बॉडी का हिस्सा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए देखिए, शेप जो है थोड़ा सा फैट ही अच्छा लगेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ करके इस बॉटल पे एल्युमिनियम फॉइल को फॉइल से बॉटल को कवर करके एक अच्छा सा शेप बना लूँगी। आप चाहे तो एल्युमिनियम फॉइल की जगह आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से इसे पूरा बनाकर हमें पेपर टेप की मदद से जो है अच्छे से फिक्स कर देना है। उसके बाद जो प्लास्टिक का जार मैंने लिया था, छोटा सा ये अचार और घी वगैरह का जार होता है उस टाइप का, तो इसे मैं इस तरह से कट करके ले रही हूँ, क्योंकि इसे जो है एक मुझे जो है बकेट के जैसा इसका कुछ बनाना है। तो बैरल जो होते हैं लकड़ी के पुराने ज़माने में, तो वो शेप के हाथों में बैरल टाइप का जो है कुछ बनाएंगे तो अच्छा लगता है। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ सॉल्ट का कंटेनर रखने के लिए, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का जार इस तरह से कट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है वॉल पुट्टी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ में शेयर किया था, हार्डवेयर की शॉप में आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह की वाइट सीमेंट बेस्ड वॉल पुट्टी लेंगे, और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसे मिक्स करना है, और जब इसका गोला बनने लगे तो अपने हाथों से अच्छे से मैश करते हुए इसका एक डो बनाना है। ये देखिए, इस तरह से इसका अभी गोला बनने लगा है। पानी बिल्कुल थोड़ा यूज़ करें, और जब ये इस तरह से बनने लग जाए तब इसको हाथों से मैश कर करके अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये वॉल पुट्टी का डो बना लिया है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें इसे बनाना है, एकदम से बहुत सारा डो मत बनाइए, और इसे गीले कपड़े से ढककर रखिए काम करते समय। अब हमें जो कैप थी हमारी बॉटल की, उसकी हेल्प से जो है शेफ का जो है हमें फेस बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी सी वॉल पुट्टी ले ली है, और इसकी जो है एक पूरी सी बनाकर हम जो है इस कैप को कवर कर लेंगे वॉल पुट्टी के लेयर से। और वैसे तो वॉल पुट्टी ऐसे भी किसी भी सरफेस पे चिपक जाती है, पर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर वाइट ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल पुट्टी को लगाने के लिए। और इस तरह से देखिए, अच्छे से इस कैप को कवर करना है, और पानी या फिर टेलकम पाउडर की मदद से जो है इसे फिनिशिंग देनी है। अब इसके बाद जो है इसकी डिटेलिंग करनी है हमें, तो सबसे पहले जो है इसके हमें गाल यानी कि चीक्स बनाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा वॉल पुट्टी का एक गोला लिया है, और इस तरह से देखिए, जो एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी हम अटैच कर रहे हैं इसकी जो एजेस होती है उन्हें ही हमें अच्छे से सील करना है पानी लगा कर, बीच में बिल्कुल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपका मनचाहा शेप आएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसके ये गाल बना लिए है। अब इसके बाद इसका हम नोज़ बनाएंगे, तो इसे भी देखिए, इस तरह से मैंने नोज का शेप बनाया है, और पानी या फिर वाइट ग्लू की सहायता से आप इसे इस तरह से स्टिक कर दीजिए, और जो भी एक्स्ट्रा आप ऊपर से अटैच करते हैं तो उसकी एजेस को अच्छे से स्मूथ कीजिए पानी की हेल्प से। और टूथपिक की हेल्प से मैंने नोज़ की और भी जो है बाकी की डिटेलिंग कर दी है। उसके बाद मैंने इसकी मूछें बनाई है, तो इस तरह से दो पार्ट्स में मैंने इसकी मूछें बनाकर इसे भी पानी की हेल्प से जो है स्टिक कर दिया है। और मूछों के ऊपर टूथपिक की हेल्प से मैंने जो है थोड़ा सा टेक्सचर दिया है बालों का। उसके बाद देखिए, एक लंबी सी धागे की तरह लंबा सा शेप बना लेंगे वॉल पुट्टी का, और उसकी हेल्प से जो है इसका नीचे वाला लिप और इसकी आईब्रोज बना लेंगे, और उन्हें भी यहाँ पर पानी या फिर वाइट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आँखों का एक शेप बनाकर उन्हें भी मैंने यहाँ पर जो आईब्रोज पहले बनाई थी उनके नीचे स्टिक कर दिया है। इसका जो शेप का जो फेस है उसे ही बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी डिटेलिंग हमें यहाँ पर करनी होती है।
और उसके बाद देखिए इसके मैंने कान बनाए हैं और उन्हें भी देखिए यहाँ पर स्टिक कर दिया है मैंने पानी की हेल्प से। और जो पीछे का पीछे वाला हिस्सा है हमारे शेप के फेस का, तो वहाँ पर जो है टूथपिक की हेल्प से मैंने बालों का टेक्सचर बना लिया है। तो इस तरह से ये हमारे शेप का जो है फेस बन गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसकी हमें कैप बनानी है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग रहा है। तो कैप बनाने के लिए भी देखिए यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉइल का एक गोला सा बना लिया है और इसे अब हम वॉल पुट्टी की जो मैंने पूरी बनाई है उसकी हेल्प से कवर कर लेंगे। और इसे अच्छे से कवर करने के बाद जो कैप का एक अलग सा शेप होता है अनइवन सा, तो एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगा लगा कर कैप का जो है प्रॉपर जैसा आप चाहे आप शेप बना लीजिए यहाँ पर। और फिर इसे जो है वाइट ग्लू की हेल्प से जो हमने फेस बनाया है हमारे शेफ का, तो उसके सिर पर हम चिपका देंगे। और इस तरह से देखिए ये जो कैप होती है इस तरह से इसे एक आउटलाइन होती है, एक बॉर्डर होती है एक पट्टी की तरह से, तो वो भी हम जो है क्ले जो हमने वॉल पुट्टी का क्ले बनाया है उसकी हेल्प से यहाँ पर लगा देंगे। और ये देखिए पीछे मैंने बालों का टेक्सचर भी कर लिया। तो ये कुछ इस तरह से पूरा कैप के साथ हमारे शेप का फेस बन के रेडी हो गया है। तो अब इसे हम सूखने देंगे और जो पहले हमने बॉटल जो बना के देखी थी तो वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि ये सही से आ रहा है कि नहीं। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह लगा कर हमें जो है बॉटल को इसके साइज़ में करना होगा। तो इस तरह से देखिए बॉटल मैंने प्रिपेयर कर लिया है और अब मैं इसे भी वॉल पुट्टी की जो है मैंने एक रोटी सी बेल ली है और उसकी हेल्प से कवर कर रही हूँ। तो इसे भी अच्छे से कवर करें और पानी की या फिर टेलकम पाउडर की हेल्प से अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये जो बॉडी है हमारे शेप की इसे भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया है वॉल पुट्टी से। और अब इसके इसके ऊपर जो है हमारे शेप का जो फेस है वो हम वॉल पुट्टी वाइट ग्लू की हेल्प से अटैच कर देंगे। और इसे जो है अभी अभी हमने वाइट ग्लू से जो है चिपकाया है, तो थोड़ी देर के लिए आप सूखने दीजिए और उसके बाद में हम बाकी की डिटेलिंग करेंगे। तो जब तक ये सूख रहा है तो यहाँ पर देखिए टूथपिक होल्डर बनाने के लिए मैंने ये वाइट ग्लू की जो बॉटल होती है उसका ढक्कन लिया है। इसके लिए ही पहले मैंने जो है एक्रिलिक कलर की बॉटल ली थी, पर वो काफ़ी हेवी हो रहा था और काफ़ी बड़ा भी हो रहा था वॉल पुट्टी से कवर करने के बाद, तो कुछ छोटा मुझे चाहिए था। तो इसके इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर फेविकॉल की बॉटल का कैप लिया है। तो इस तरह का आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी और बॉटल का ढक्कन वगैरह भी ले सकते हैं। और इसे भी देखिए इस तरह से वॉल पुट्टी से कवर कर लेना है और पानी की हेल्प से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। और ये इसे भी देखिए जो वुड के बैरल्स होते हैं उस तरह का मैं टेक्सचर देने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक की हेल्प से इस तरह से लाइंस बना ली है इसके ऊपर। और एक ऊपर मैंने जो है वॉल पुट्टी लगाकर एक बॉर्डर बॉर्डर की तरह से इसके ऊपर एक रिम बना ली है। तो इस तरह से ये हमारा टूथपिक होल्डर बन गया है। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तब तक हमारा जो शेफ हमने बनाया था वो सूख चुका है। तो इसका मैंने यहाँ पर देखिए एक स्कार्प का मैंने शेप बना लिया है, जिस इसके गले में जो स्कार्प होता है वो, और उसे हम वाइट ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक कर देंगे इसकी नेक पर। उसके बाद मैंने एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से जो है इसके हाथों का शेप बनाया है, तो उन्हें भी हम इसके हाथों की जगह पर जो है पहले एल्युमिनियम फॉइल को स्टिक कर देंगे और बाद में उसे वॉल पुट्टी से कवर कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये जो हाथ है मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और अब इसे मैं पुट्टी की हेल्प से कवर कर रही हूँ। तो ये दोनों हाथ जो है मैंने एल्बो तक ही बनाए हैं, बाकी का जो हाथ है जिसमें हमें जो है टूथपिक होल्डर और जो हमारा सॉल्ट कंटेनर है उसका होल्डर जो है शेप ने हाथों में पकड़ा है इस तरह से हमें बनाना है, तो वो हम बाद में बनाएंगे। तो सिर्फ एल्बो लेन तक के हाथ इस पर बनाकर मैंने अभी अटैच कर दिए हैं। फिर इसका जो लेफ़्ट हैंड है उसमें मुझे जो है इस तरह से बनाना है कि जैसे टूथपिक होल्डर लेफ़्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका जो है पाम में रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने देखिए इसे शेप दे दिया है हाथ का, और इसका जो ये पाम है इसे मैं टूथपिक होल्डर से अटैच कर दूंगी। और उससे पहले जो है टूथपिक होल्डर को हम इस तरह से शेप की बॉडी पर चिपका देंगे। तो आप वाइट ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है आप वॉल पुट्टी का पेस्ट बना लीजिए थोड़ा सा पानी लगा के, और वो पेस्ट अटैच करके हम इस टूथपिक होल्डर को पहले शेप की बॉडी पे चिपका देंगे।
और फिर उसके बाद जो इसका हमने जो है हाथ बनाया था वो इसके ऊपर अटैच कर देंगे, और अच्छे से गैप्स को भर के प्रॉपर जो है इसके पूरे हाथ का शेप हमें बना लेना है एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी अटैच करके। तो इस तरह से देखिए थोड़ी थोड़ी करके वॉल पुट्टी यहाँ पर आप अटैच करते जाइए और प्रॉपर जो है इसके हाथ का शेप बना लीजिए। तो इस तरह से देखिए ये टूथपिक होल्डर जो है मैंने इसके लेफ्ट हैंड में अटैच करके बना लिया है। अब जो प्लास्टिक की बोतल मैंने कट की थी सॉल्ट कंटेनर होल्डर बनाने के लिए, तो उसे भी इस तरह से देखिए वॉल पुट्टी की हेल्प से वाइट ग्लू लगाकर मैं कवर कर रही हूँ वॉल पुट्टी से। तो इसे भी अच्छे से कवर कर लेंगे और अच्छे से जो है पानी का हाथ लगाकर फिनिशिंग दे देंगे। और इसके ऊपर भी देखिए जो वुडन बैरल होते थे तो उसका मुझे टेक्सचर देना है, तो इस तरह से मैंने लाइन बना ली है टूथपिक के हेल्प से। और जो ये बैरल होते थे पुराने ज़माने में, तो उनके ऊपर जो है मेटल की एक पट्टी लगाई हुई होती थी, तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी की हेल्प से जो है एक पट्टी वाली बॉर्डर इसके ऊपर और बॉटम की साइड दोनों जगह पर बना ली है। अब इसे थोड़ा सा सूखने देंगे। तब तक जो हमारा शेफ है उसका जो है पेट बिल्कुल फ्लैट लग रहा था, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी अटैच करके जो है इसे प्रॉपर शेप दे रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर शेप के जो है शूज़ में बना रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करते जाना है और उसे थोड़ा थोड़ा सा हमें सूखने के लिए समय देना है, और फिर उसके बाद जो है इन पार्ट्स को हमें एक दूसरे के साथ अटैच करना है। अब हम यहाँ पर शूज़ और जो हमें सॉल्ट कंटेनर होल्डर हमने बनाया है तो उनका अरेंजमेंट हमें देखना है कि किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने शेप किए एप्रन टाइप ऐसा कुछ होता है उन्होंने पहना हुआ, तो वो मैंने बनाया है और वो मैं पहले अटैच कर रही हूँ। पहले मैंने शूज़ जो बनाए थे शेप के उन्हें मैंने अटैच किया है वाइट ग्लू की हेल्प से, और उसके बाद मैं ये एप्रन टाइप का ये लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए अब जो ये बच्चों के लिखने वाला पैड होता है इसके ऊपर रख के मुझे इसे सुखाना है, तो इस पे मैंने रख दिया है ताकि बार बार मुझे इसे हिलाना ना पड़े। और जो ये टूथपिक होल्डर है इसे भी मैंने सपोर्ट देने के लिए नीचे ये एक ढक्कन रख दिया है। और फिर मैंने शेप के जो है बटन्स भी बना लिए हैं, क्योंकि जो है ये टूथपिक होल्डर लगाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा इसका वज़न हो रहा था और ये अपनी जगह पर रह नहीं पा रहा था, तो पहले मैंने ये बाकी सारी डिटेलिंग कर ली है। और अब टूथपिक होल्डर को अटैच करने के लिए मैं इसका दूसरा हाथ बना रही हूँ, और इस हाथ को भी वाइट ग्लू की हेल्प से जो है टूथपिक होल्डर नहीं, ये सॉल्ट कंटेनर होल्डर बनाया है हमने, तो इसके ऊपर मैंने जो है वाइट ग्लू की हेल्प से इस हाथ को भी स्टिक कर दिया है। अब जो गैप्स बचे हैं जैसा कि हमने टूथपिक होल्डर लगाते समय किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर भी अभी शेप की बॉडी पर जो है एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी का पेस्ट अटैच करके मैंने इसे चिपकाया है, और उसके बाद जो है जो इसके हाथों में जो गैप है उसे फिल करते हुए हमें दूसरा हाथ जो है शेप का उसका भी अच्छे से प्रॉपर शेप बना लेना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये गैप है तो इसे फिल करके मैं इसका दूसरा हाथ भी बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए ये दूसरे हाथ का शेप भी मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो लगभग हमारा शेप पूरा बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसे सूखने देंगे, और सूखने के बाद जो है उसे नीचे की साइड से भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगाकर हमें इसे जो है मजबूती दे देनी है। तो पहले हमें एज इट इज़ इसे सुखाना है, और इस तरह से देखिए सारे पार्ट्स को चिपकाते जाइए पानी और वाइट ग्लू की हेल्प से, और पानी की हेल्प से जो है फिनिशिंग देते जाइए। तो ये देखिए ये पूरा बन के रेडी हो गया है जो है हमारा शेप, तो इसे अब हम सूखने के लिए रख देंगे। तो बनाते बनाते शाम हो गई थी तो मैंने ओवरनाइट रखा है इसे सूखने के लिए। वैसे तो 7-8 घंटे में भी वॉल पुट्टी जो है सूख के तैयार हो जाती है। तो अब देखिए हमारा शेप जो है अच्छे से सूख चुका है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था तो इसे मैंने थोड़ी सी देखिए मैंने नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगाकर इसे जो है मजबूती के लिए मैंने एक्स्ट्रा वॉल पुट्टी लगा दी है नीचे की साइड में भी अच्छे से, और जो पीछे की साइड में भी थोड़े बहुत गैप्स वगैरह थे वो भी मैंने बाद में भर दिए हैं वॉल पुट्टी की हेल्प से। तो अब हम इसकी कलरिंग करेंगे। तो शेप का जो ड्रेस और कैप है उसे वाइट कलर लगा लेंगे, और एक्रिलिक कलर की हेल्प से मैं इसकी कलरिंग कर रही हूँ।
जो ये टूथपिक होल्डर और सॉल्ट कंटेनर होल्डर है, तो इन्हें मैंने वुडन बैरल्स का जो है लुक देने की कोशिश की है। तो इनकी जो मेटल रिम होती है उसे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर कर रही हूँ, ब्लैक कलर का बेस कोट, और उसके ऊपर मैंने जो है सिल्वर कलर अप्लाई कर दिया है ताकि एक मेटेलिक लुक आए। तो इस तरह से पेंट करके सूखने के बाद ये देखिए हमारा शेप जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, शेप कम टूथपिक होल्डर और सॉल्ट कंटेनर होल्डर। और इसे आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे थोड़ा सा और जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं धूल मिट्टी से, तो इसके ऊपर एक क्लियर वार्निश का कोट आप लगा दीजिए, तो ये और भी लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो ये जो सॉल्ट कंटेनर है ये एक्चुअली एक वो जो है हाजमोला का कंटेनर है। इसके ढक्कन को भी मैंने खुद ही पेंट किया है, और इसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर शेयर कर रखी है, आप लोगों में से कई लोगों ने देखी भी होगी। तो फिलहाल इसके साइज़ का सॉल्ट कंटेनर नहीं था तो यही मैंने इसमें रख दिया है, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी सूट कर रहा है इसके साथ में। और कुछ टूथपिक्स अब हम ऐड कर देते हैं इसके टूथपिक होल्डर में, और इसे आप अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर डाइनिंग एरिया में किसी और जगह पर या फिर किचन में भी, आप किचन में भी एज अ किचन डेकोर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इसे बनाइए, और बनाकर आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये मेरा DIY कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं, और अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर आप क्लिक कर दीजिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और इस DIY को देखिए मैंने डाइनिंग टेबल पर और भी कई सारे जो डाइनिंग एसेंशियल्स होते हैं उनके साथ में सजाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।